ML का सच ये बोलना पड़ जाएगा, सर मैंने तो बस अप्लाई कर दिया नेट से देख देख के। क्या उसके असली रोड मैप है, कैसे कर सकते हैं मशीन लर्निंग, कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग का। तो पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं यार, आज की वीडियो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर दिल के थोड़े से कमजोर हो, वीडियो ज्यादा अच्छी देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अच्छी वीडियो को कुछ नहीं करना होता, बस लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग ML AI, इतने बड़े बड़े भारी भारी वर्ड है, इसको देख के लोगों को लगता है कि पहले जो गिटार वाली हालत थी ना कि लड़के गिटार बजा के लड़कियां पटा लेते, वैसी लड़के और लड़कियां आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तुम्हारे ML AI करके कंपनी पटा लेते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। ऐसा सुनने में आया है मेरे को, भैया जी को भी आया, भैया जी ने मेरे को बोला आ गया हूं मैं बहुत सारी चीजें लेके। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ML का सच, कैसे मैंने ML यूज किया अपने प्रोजेक्ट में, कैसे मैं अपने रिज्यूमे में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हमेशा लगा के रखता हूँ मशीन लर्निंग का, चाहे मेरे को पूरी मशीन लर्निंग नहीं आती, पूरी तो किसी को भी नहीं आ सकती। क्या उसके असली रोड मैप है, कैसे कर सकते हैं मशीन लर्निंग, कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग का, ये नहीं बस के हवाबाजी मैथ्स कर ली, कैसे उसको अप्लाई करेंगे और कैसे उसकी मदद लेके अपने प्लेसमेंट में फायदा करेंगे, उस बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल तुमने पढ़ ही लिया है, थंबनेल तुमने देख ही लिया है, तो क्या करना है पता है तुम्हें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, और आज के स्पॉन्सर के बारे में बात करेंगे बाद में, जिन्होंने मेरी हेल्प करी है रिसर्च करने में, इस पूरे टॉपिक पे मशीन लर्निंग के टॉपिक पर रिसर्च करने में, तो वो जानने में तुम्हें और मजा आएगा। करते हैं शुरू इस वीडियो को, 3 2 1 इंट्रो। तो यार जो मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ अपने रिज्यूमे में शायद तुमने देखा हो मेरा, तो यार कभी कभी उसमें फंस भी सकते हो, अगर सामने वाले को बहुत अच्छी मशीन लर्निंग आती है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के, नहीं डायरेक्ट टॉपिक पे, और तुम्हें फिर ये बोलना पड़ जाएगा सर मैंने तो बस अप्लाई कर दिया नेट से देख देख के। बट ये भी बोलना अच्छा होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का ट्रेट होता है ना कि तुम नेट से कितना कोड कॉपी कर सकते हो, कितना समझ सकते हो। कहाँ मेरी कसम मर जाएगा तू, तो वो भी कभी कभी चेक हो जाता है। और कुछ कुछ क्या मोस्टली केसेस में जो सीनियर डेवलपर्स या जो बड़े लोग लेते हैं इंटरव्यू, उन्हें मशीन लर्निंग का उतना आइडिया नहीं होता, उन्हें पता होता है वर्किंग क्या है, उन्हें इन डेप्थ नॉलेज होती है, बट उसकी एप्लीकेशन और उसके जो डिटेल्स या डेफिनेशन है वो सब नहीं पता होती, तो वो लोग वो पूछते नहीं है। तो तुम आराम से इसको यूज कर सकते हो अपनी प्लेसमेंट के लिए, कैसे करना है वो पूरा बताएंगे, सब्र करो थोड़ा सा। शुरू करते हैं, पहले मशीन लर्निंग बता देते हैं तुम्हें। मशीन लर्निंग एक तरह से ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट होता है कह सकते हैं ये। अब कुछ लोग इस पे लड़ पड़ेंगे, ये मतलब डिबेटेबल कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट असलियत ये है। अब तुम्हें सबसेट नहीं पता तो क्लास 11th की जाके मैथमेटिक्स की बुक जो थी ना, वो पतली सी मोटी भी नहीं थी उतनी, उसको जाके चेक करो। हम शुरू करते हैं आगे बेसिक मशीन लर्निंग क्या है, एंड ये बताने से पहले बता दूं एंड में एक रोड मैप भी मिलने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और तो मशीन लर्निंग का सिंपल सा लॉजिक जो तुम्हें पता है यार, मशीन को लर्न कराना, कैसे मशीन को टास्क बताना, मशीन उस टास्क से सीखे कि आगे जो एक्स्ट्रा टास्क है वो हमें खुद ना लिखने पड़े, वो अपने आप समझ जाए। तुम्हें बेसिक पता ही है वो क्लासिफिकेशन वगैरह वाले जो इंस्टाग्राम पे फिल्टर आते हैं, तुम्हारी एज बता देते हैं, या जो फेसबुक पर टैगिंग हो जाती है इमेज की कि ये इमेज वैसी दिख रही है। और भी बहुत सारे मशीन लर्निंग के यूजेस हैं, आजकल कोविड की वैक्सीन बनाने में भी यूजेस हो रहे हैं, तो काफी सारे यूजेस हैं। कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ यार। बेसिकली क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है, बहुत सारा अच्छा डेटा फीड करना होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर उस डेटा पे मैथमेटिकल फंक्शंस बनाता है, बेसिकली एक फॉर्मूला बना लेता है। जैसे आइंस्टाइन को साल लगे थे बहुत सारे फॉर्मूला बनाने में, हमारा कंप्यूटर बहुत जल्दी से फॉर्मूला बना लेता है सारी चीजों का। तो रियल लाइफ सिचुएशन को एक फॉर्मूले में ले आता है और उस फॉर्मूले में फिर डेटा डाल के नए नए आंसर निकालता रहता है। ये है सिंपल लॉजिक मशीन लर्निंग का। अब तुम कहोगे यार गूगल लेंस पे कभी कभी तुम्हारी शक्ल को इंसान दिखा देता है, कभी कभी तुम्हारी शक्ल को डॉग या कैट से कंपेयर कर देता है, तो ऐसे बुरा ऑफेंड मत हो जाना गूगल से अगर तुम्हें ऐसे रिकॉग्नाइज कर दे, तो कभी कभी गलती हो जाती है। कैसे गलती होती है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी आती है, तो इस बारे में हम बात नहीं करते, पता नहीं क्या ही डिस्कस करने लगते हैं हम। तो बेसिकली ये चीजें परफेक्ट नहीं होती, मैं ये बताना चाहता था तुम्हें। तो जहां पे परफेक्शन नहीं होती वहां तुम लूप होल बना सकते हो। क्या करते हैं लोग, जैसे लॉज में परफेक्शन नहीं होती, कुछ लूप होल होते हैं ढूंढ लेते हैं, वैसी प्लेसमेंट में तुम्हें क्या करना है, ML की जो इम्परफेक्शन है उनको यूज करके अपने प्लेसमेंट के लिए, अपने कम से कम पढ़ के ML को बेस्ट यूज और बेस्ट इम्पैक्ट लेके आना है इंटरव्यू में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका थोड़ा सा एक और इंटेलिजेंट वर्जन कह सकते हो तुम, जिसमें तुम्हें और कम डेटा डालना पड़े और कम चीजों पे फोकस करना पड़े और ज्यादा वैरायटी ऑफ आंसर्स मिल सके, ज्यादा वैरायटी ऑफ लर्निंग हो पाए
कम डेटा और कम इन्फॉर्मेशन पे। तो यार ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैंने तुम्हें MLAI समझा दिया है, अगर तुम्हें नहीं समझना था तो स्किप कर देना चाहिए था, अब देख लिया तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब दिक्कत इन सब में ये है कि अगर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा ना तो तुम पक्का बीच में छोड़ दोगे, तुम्हें लगेगा यार कि ऐसे तो कर ही नहीं सकते या फिर इसके बाद क्या करें, अब क्या करें, तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं होगा, तुम किससे क्वेश्चन पूछोगे। तो अब आते हैं हम अपने स्पॉन्सर के ऊपर, कोडिंग निंजास के ऊपर। कोडिंग निंजास की वेबसाइट खोलते हैं और बताते हैं तुम्हें उनके बेस्ट मशीन लर्निंग कोर्स और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में, और दिखाते हैं तुम्हें क्या क्या मिल सकता है वहां पे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है जिसके अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट किसको अच्छा नहीं लगता, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे खोल के इस वेबसाइट को खोलो और देखो इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं। फायदा क्या है इसमें, सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कोडिंग निंजास में? सो बेसिकली कोडिंग निंजास वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट है, तुम्हें पता ही है 50,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो इन्हें आता है पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूबर बैठ के वीडियोस बना रहा है, उसको पढ़ाना का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे लव को था 2.5 साल का एक्सपीरियंस, वैसे इन्हें भी बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है जो तुम्हें हेल्प करेगा। उसके बाद इनके कोर्सेज बेसिक से लेकर पूरे एडवांस प्रीमियम लेवल तक सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो तुम्हें जो मीडियम इंटरमीडिएट लेवल जो भी लेवल में तुम स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बेसिक से ही पढ़ना पड़ा या डायरेक्ट एडवांस में पहुंचा दिया, हर तरह का तुम्हारे पास ऑप्शन है। और इनका कंटेंट क्यूरेटेड होता है, IIT के लोग, स्टैनफोर्ड के लोग, फेसबुक के लोग इसमें मतलब काम करते हैं, छोड़ के यहाँ पे पढ़ाने लग रहे हैं, स्टैनफोर्ड के लोग पढ़ा रहे हैं, तो यार तुम समझ सकते हो क्वालिटी कितनी अच्छी है। और तुम्हारे डाउट्स वाउट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि एक कोर्स ज्वाइन करते हो तो डाउट्स क्लियर करना ही तो मेन फायदा होता है, वो फायदा भी तुम्हें मिल ही जाएगा। अगर कोर्स तुम देखो तो यहाँ पे इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, C++, जावा फाउंडेशन, एप्टीट्यूड, पाइथन, मशीन लर्निंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, हर तरह का कोर्स जो तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे लिए बना रखा है। तो और क्या चाहिए तुम्हें, देखो नीचे जाके लिंक में 15% डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें अगर इस लिंक को फॉलो करोगे। इतना ही था बताना मेरे को कोडिंग निंजा। नेक्स्ट टॉपिक है सच। अब यार MLAI का सच जो है ना, असली सच वो यही है कि डायरेक्ट जॉब्स बहुत कम अवेलेबल, बहुत कम क्या नेग्लिजिबल है। जो ले भी रही है वो तुम्हें बस डेटा साइंटिस्ट या डेटा क्लीनिंग की जॉब्स पे ले लेती है, क्योंकि यार एक ML जैसी चीज है ना उसमें अगर तुम्हें कुछ नया बनाना है। अब ML दो तरीका का हो सकता है, पहला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है यार, बने हुए सारे फंक्शन, जैसे एक फंक्शन बना रखा है गूगल ने कि इसमें डेटा डालो आंसर आ जाएगा, उसके इंप्लीमेंटेशन को भी कई बार ML की जॉब्स कह देते हैं, बट वो नॉर्मल SD भी कोई कर सकता है। दूसरा होता है यार ML एल्गोरिदम बनाना, या जो पीछे की मैथ्स है ना मशीन लर्निंग की, उसको फाइन ट्यून करना, उसकी परफॉर्मेंस ट्वीक करना, वो सब करने के लिए तुम्हें बहुत अच्छी मैथ्स आनी चाहिए। कुछ कुछ लोग सीख भी लेते हैं बीटेक में, बट कंपनीज को पता है यार ऐसे बच्चा अगर हम ढूंढने बैठ गए, एक बच्चा जो ढूंढना है करोड़ों में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा वो जनरली PhD या मास्टर्स जो मैथ्स या मशीन लर्निंग में कर रहे होते हैं उन्हें हायर कर लेते हैं। तुम भी सोच सकते हो यार कंपनीज के लिए भी इफेक्टिव होगा, तुम्हें एक एक बच्चे का चेक करना कि इसको मैथ्स आती है नहीं, कितना डिफिकल्ट हो जाता है, तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। तो यही सच है कि डायरेक्ट जॉब्स मशीन लर्निंग की अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर तुम्हें बाकी सारी चीजें आती हैं और ऊपर से तुम एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट फेंक के मारते हो अपने रिज्यूमे पे या अपने इंटरव्यूअर पे बताते हो अपने बारे में, तो यार चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो बेसिकली ML और AI की अकेले उतनी वैल्यू शायद ना हो डायरेक्ट जॉब के लिए, बट अगर उसको कंबाइन करते एक अच्छे से केक के साथ तो वो चेरी बन जाती है, सुंदर चेरी बन जाती है, गंदी वाली चेरी नहीं बनती। कैसे बनाना है वो हम रोड मैप में बताएंगे। तो यार जो चेरी ऑन द केक वाली बात है, जैसे मैंने अपने रिज्यूमे में बस एक ML का प्रोजेक्ट डाल रखा है, तो उससे वो एक चेरी ऑन द केक वाली बात है। काफी सारी जगह पे सिर्फ उस प्रोजेक्ट की वजह से मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ है, काफी सारे इंटरव्यूज में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है यार इसने मशीन लर्निंग भी ट्राई करी है, इसको आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसे सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स एप्स बनाने आते हैं, बट इसने मशीन लर्निंग भी करी है, तो हाँ यार ये कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहता है, इसको ले लेते हैं, ये और भी चीजें कर लेगा। तो ये होता है चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। ये हो गया असली सच जॉब से रिलेटेड और ML से रिलेटेड अब तक का। अब आती है सबसे बड़ी दिक्कत, सीखे कहां से। अब सीखने में यार जब जैसे मैंने तुम्हें बताया दो है, एप्लीकेशन और एक मैथ्स में घुसना। अब लोग क्या कर रहे हैं, सिखाने वाले क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर करके लोगों का कंटेंट बढ़ाने के लिए दोनों को मिक्स करे जा रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी मैथ्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन को भूल भी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सिखा भी रहे हैं, तो उस चक्कर में ना तुम्हें ये आता है ना वो आता है, ना प्रोजेक्ट बन पाता है, वही घिसे पिटे पुराने प्रोजेक्ट जो हर किसी के अब आजकल रिज्यूमे में हो गए हैं। अब आजकल ना ML के प्रोजेक्ट भी बहुत कॉमन हो गए हैं, तो इसमें भी कुछ नया करना पड़ता है। ये थोड़ी सी सैड बात होगी, जितना इंटरनेट आएगा यार कोई ना कोई प्रोजेक्ट नेट पे डालेगा और वो कॉपी होगा, तो तुम्हें कुछ नया बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, मैथ्स पता होने की उतनी जरूरत नहीं है। अच्छी बात है अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, फायदा है। मैं MC का स्टूडेंट हूँ तो मैं मैथ्स और ज्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैथ्स कितनी हेल्प करती है। बट अगर सिर्फ एप्लीकेशन भी सीख लो ना तुम, और अपने तुम्हें आती है वेबसाइट डेवलपमेंट, तुम्हें आती है ऐप डेवलपमेंट, उसमें एक छोटी सी जगह मशीन लर्निंग का एक एप्लीकेशन लगा दो और वो जो ऐप और उस वेबसाइट की जो वैल्यू है ना ऐसे ऊपर जाएगी। तुमने एक सिंपल टूडो ऐप भी बना रखा होगा ना, उसमें भी अगर तुम कुछ कुछ अच्छी सी चीज लगा दोगे ना, वो वेबसाइट दिखाने लायक हो जाएगी रिज्यूमे में। ये होता है असली चेरी ऑन द टॉप।
तो इसको कैसे करना है, अब अगर तुम्हें सीखनी है एप्लीकेशन उसका मैं अलग बताऊंगा, अगर तुम्हें सीखनी है सिर्फ मैथ्स और एप्लीकेशन का साथ वाला जो स्ट्रक्चर है, पहले मैथ्स सीखनी पड़ती है, उसमें बहुत सारी एलजेब्रा कैलकुलस आसान है, मुश्किल नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ती है, ये वो वाली चीज नहीं है कि 20 दिन या 2 महीने डीएसए करा और जॉब निकल गई। तो मैथ्स जो करनी है वो तुम्हें, अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एमएलएआई में, बहुत ज्यादा मैथ्स में इंटरेस्ट है तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, बाद में तुम पता चला कुछ और ही कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन वाली। तो अब यार एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन करने के लिए तो तुम्हें अगर आइडिया पता है अपने वेबसाइट का, तो तुम सीधा नेट पे सर्च कर सकते हो कि ये वाली चीज कैसे करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब कि जो रिव्यू आया वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो कैसे करते हैं, या इमेज क्लासिफिकेशन उसका कोई बेसिक कोड कैसे निकालते हैं, वो सब नेट पे सर्च करके तुम डायरेक्टली इनपुट कर सकते हो, बस तुम्हें आनी चाहिए बेसिक पाइथन या फिर जिस भी लैंग्वेज में वो इंप्लीमेंटेड है। अब तुम कहोगे भैया ये सब तो ठीक है लेकिन एप्लीकेशन तो फिर भी हमें नहीं समझ आई, अब उसके लिए तुम क्या कर सकते हो यार, इतने सारे दुनिया भर के YouTube पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको इग्नोर कर सकते हो उन्हें इग्नोर, डायरेक्ट सर्च करो, अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक इशू है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन लगानी है, उसको डायरेक्ट सर्च करो और देख डालो, उस वीडियो को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और अपने वेबसाइट और प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। अब इसमें सबसे कम टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हें पूरी मशीन लर्निंग नहीं पढ़नी पड़ी, थोड़ा बहुत इसमें भी अगर तुम मशीन लर्निंग पढ़ लोगे, कैसे पढ़ लोगे वो थोड़ा अभी बताते हैं, तो फायदा हो जाएगा तुम्हारा अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया। फिर भी अगर तुमने जो इंप्लीमेंट किया है ना, अगर उतना भी तुम्हें आता है तो कोई भी कंपनी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेज़न हो, यार उन्हें बंदे चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो उन्हें बेसिक चाहिए कि बंदा इंप्लीमेंट कर सके। अगर मैंने एक मशीन लर्निंग इंजीनियर उसके साथ बैठा दिया तो वो दोनों बैठ के इंप्लीमेंट कर सके। अगर तुम्हें इतना आ गया यार, अपने आप 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख वाली जॉब लग जाएगी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पता चला मैथ्स ही सॉल्व कर रहे हो, डीएसए के क्वेश्चन तो करे नहीं, मैथ्स में लग गए एमएल आएगी। अब आए अगर एमएल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, यार अगर एमएल के कॉन्सेप्ट ढंग से करने हैं ना, तो वही है जो तुम फर्स्ट ईयर में शुरू करते हो तभी हो पाएगा, या फिर सेकेंड ईयर में सिंपली वही बुक्स फॉलो करके, एंड्रू एनजी वाले कोर्स से शुरू करके जो सभी करते हैं, मतलब ऐसे तो भगवान टाइप एंड्रू एनजी, उससे शुरू करके। अब ये नहीं कह रहा मैं वो कोर्स देखोगे तुम्हें पूरी एमएल आ जाएगी, बट उससे तुम्हें एक माइंडसेट हो जाएगा यार एमएल है क्या, कैसे मेरे को यूज करनी है, क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं और कितना डिफिकल्टी होगी आगे मेरे को जाके। तो तुम अगर मतलब हो सकता है उस कोर्स के एंड में तुम्हें लगे यार बहुत मुश्किल है मेरे लिए नहीं है, तो तुम फिर छोड़ सकते हो मशीन लर्निंग। मैंने भी ऐसे किया था, एंड्रू एनजी का कोर्स किया था, डीप लर्निंग का कोर्स किया था, और फिर मेरे को समझ आ गया था कि इतना मेरे को अभी घुसने का मन नहीं है, तो मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। बट अगर फिर तुम्हें मन कर जाए, उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी जितनी अब YouTube वाली प्लेलिस्ट है ना जो मैं बात कर रहा था, अब तुम वो देख सकते हो, अब उनसे तुम अपना पूरा ग्राफ बना सकते हो। कैगल करके एक वेबसाइट है, उस पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मशीन लर्निंग के, वो सॉल्व करके, एक तरह से जैसे तुम्हारा लीड कोड और ये गीक्स फॉर गीक्स है ना, वैसी कैगल पे मशीन लर्निंग रिलेटेड डेटा, मशीन लर्निंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और उसमें तुम ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो, वो तुम्हारा एक तरह से मशीन लर्निंग के करियर को बिल्कुल आगे ले जाएगी। उस पर अब हम अपना शुरू करते हैं रोड मैप के ऊपर। रोड मैप की हेल्प मैंने ली है कोडिंग निंजा से, मैंने बेसिकली इनके जो कोर्स पे पूरा करिकुलम दे रखा था उसको देख के एक रोड मैप बनाने की कोशिश करिए। बनाने की कोशिश क्या करिए, बता देता हूं मैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्या लिख रखा है, उसी से रिलेटेड तुम एक दो वेबसाइट्स का और देख सकते हो और अपना एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हो कैसे शुरू करते हैं। अब यार अगर तुम कोई भी रोड मैप देखोगे ना, उसमें सबसे पहले होता है कि पाइथन सीखो, फिर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, साइकिटलर्न, पांडास और नंपाई, तो ये वाली जो लाइब्रेरीज हैं बेसिकली तुम्हें हेल्प करती हैं डेटा मैनिपुलेशन और कुछ कुछ बेसिक जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बने हुए हैं उनको यूज करने में। उसके बाद तुम मशीन लर्निंग के बेसिक सीख सकते हो कि कैसे लीनियर रिग्रेशन, कैसे तुम्हारा मल्टी वेरिएबल, बहुत बड़े बड़े वर्ड बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये ना एक तरह से पैटर्न है कि तुम पहले यूट्यूब पे सर्च करो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसकी एक वीडियो देखो अगर तुम कोई कोर्स फॉलो नहीं करो, उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट देख लो, उसके बाद फीचर स्केलिंग, मतलब ये मैं तुम्हें नीचे दे दूंगा इमेज या फिर तुम्हें अभी दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो इसको तुम फॉलो करके बेसिकली सारे अपने पीसीए पढ़ लिया, फिर एनएलपी पढ़ लिया। उसके बाद प्रोजेक्ट अगर तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, तुम्हें बेसिक से जीरो से कोड करता हुआ एक बंदा दिखेगा, बहुत सारे बंदे दिखेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स को फॉलो कर करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, और एक बार तुमने उनका प्रोजेक्ट फॉलो कर लिया तुम्हें पता चल गया कैसे बनाना है, कैसे इसकी पूरी वर्किंग चल रही है, फिर उसको थोड़ा बहुत तरोड़ मरोड़ के अपनी प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो या अपने वेबसाइट या ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर अगर इसके एडवांस टॉपिक्स पे जाते हैं मशीन लर्निंग के जो होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स और तुम्हारे टेंसर फ्लो, केरास और ये सब यूज करके, तो डीप लर्निंग पढ़ने का एक अलग सेंस होता है उसमें, मतलब थोड़ी मैथ ज्यादा होती है मेरे को लगता है, और जब मैथ ज्यादा हो जाती है तो वही एप्लीकेशन वाला सिस्टम थोड़ा दूर जाता रहता है। तो जिसको सिर्फ एप्लीकेशन करनी है वो इसको छोड़ सकता है, बट जिसको डिटेल में पढ़ना है उसके लिए आई थिंक बहुत जरूरी है न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ना,
केराज में कैसे यूज हो रहा है, टेंसर फ्लो में कैसे हो रहा है, सीएनएन क्या है, आरएनएन क्या है, क्लस्टरिंग कैसे हो रही है, के मींस, और ये सब तो बेसिक्स मशीन लर्निंग में तुम्हें पढ़ना ही है। उसके बाद यार प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, तो कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन बहुत फेमस है, ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस बहुत फेमस है, इमेज कैप्शन जनरेटर बहुत फेमस है, म्यूजिक नोट जनरेटर बहुत फेमस है, उसके बाद एक नेटफ्लिक्स का रिव्यू एनालाइजर एक बहुत फेमस है। तो ये प्रोजेक्ट्स तुम्हें कैगल पे भी मिल जाएंगे, तो कैगल की वेबसाइट खोलना, वहां पे तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स कोड के साथ मिलेंगे, तो वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर चेपना है तो चेप भी सकते हो, बट मैं बोलूंगा चेपो मत, अगर तुम्हारे आसपास वाले बच्चों का सेम प्रोजेक्ट निकल गया थोड़ा कट सकता है, उसका ध्यान रखना। तो ये सारे रोड मैप या टॉपिक्स जरूर फॉलो कर लेना अगर तुम मशीन लर्निंग करना चाहते हो। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना कोई प्रोजेक्ट दिखाऊं भी, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। और कुछ अगर मशीन लर्निंग रिलेटेड वीडियो चाहते हो, बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मशीन लर्निंग की, तो नीचे लिख देना, हाँ भैया मशीन लर्निंग की और वीडियोस चाहिए या इससे रिलेटेड और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था जो मैं तुम्हें देना चाहता था, बट अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, भैया इस पे वीडियो चाहिए। और कैसी लगी ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे को लगता है अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम पे जाके देखो, बहुत सारी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डाल रहा हूँ मैं। और ब्लॉग देखा है तुमने पिछले वाला, मेरे को पता है, ये पीछे तुम्हें गिटार भी दिख रहा होगा, ये पिछले ब्लॉग में खरीदा है हमने। और क्या, आज भैया जी को नहीं बुलाते हैं, आज भैया जी को परेशान नहीं करते हैं। तुम कर दो लाइक इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नीचे कुछ कमेंट कर दो, उल्टा फुल्टा मत करना, अच्छा सा कुछ कर देना, लड़ाई वड़ाई मत करा करो कमेंट में, मेरे को दिखते रहते हो तुम, बैन कर दूंगा मैं सीधा। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेज्ड। ऑलवेज डू इट ऑन माय ओन, सो आई गॉट टू गेट थ्रू इट, एंड द ओनली थिंग आई नो इज टू लव व्हाट आई एम डूइंग, नेवर गिव अप, नेवर स्लो टिल आई फाइनली प्रूव इट, नेवर लिसन टू द नोज, आई जस्ट वांट टू कीप मूविंग।